वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉन ऑनलाइन सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले पॉलिनोमियल क्लास 10th। आज जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक वेरी मोस्ट टाइम की पार्ट होता है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड बोर्ड एग्जाम्स। तो शुरू करते हैं अपन आज का अपना टॉपिक। आज का टॉपिक ये है, आपको क्वाड्रेटिक बनानी है। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर गिवन। मीन्स आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें आपको सम एंड प्रोडक्ट दिया रहेगा जीरोस का। देखिए कैसे, जिसे अपन जानते हैं अपना जो क्वाड्रेटिक होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ हमें क्या दिया रहेगा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मींस आपको दिया रहेगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यूज। क्लियर? और हमें क्या करना होता है यहां पर, जैसे अल्फा प्लस बीटा अपना होता है वैसे तो माइनस बी बाय ए माइनस ऑफ बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा होता है अपना सी बाय ए। बट हमें यहां पर सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन रहेगी एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू भी गिवन रहेगी। हमें क्या करना होगा, इस इनकी हेल्प से बी ए और सी की वैल्यू फाइंड करके उसको यहां पर पुट करना होगा। So, इस प्रकार से इस टॉपिक के क्वेश्चन बनते हैं। शुरू करते हैं अपन अपना क्वेश्चन। देखिए जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर 1/4 एंड -1 रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें आपको सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्वेश्चन में गिवन है। So, we start. देखिए आपको गिवन है क्वेश्चन में सम ऑफ द जीरोस, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा, क्या गिवन अपने 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है अपने को अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। ओके, दैट इज द सम ऑफ द जीरोस और सम ऑफ द जीरोस होता है अपना माइनस ऑफ b by a is equal to 1/4 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अपना c by a जो कि हमें गिवन है -1। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें a b और c की वैल्यू फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स की हेल्प से। तो सबसे पहले अगर अपन ये देखते हैं कि जैसे यहां पर अपन ये देख सकते हैं, यहां पर जो a है और यहां पर जो a है, देखिए ये वाला जो a है और ये वाला a है, इस वाले a की वैल्यू यहाँ पर 4 है, इस वाले a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको अगर मैं इस प्रकार से लिख दूँ अब 1/1 तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि 1 -1/1 ऑलरेडी -1 ही होता है। सो यहाँ पर अपन देखिए कंपेयर करने की तो a की वैल्यू 4 और यहाँ पर देखें तो a की वैल्यू क्या है 1 है। बट हमें क्या करना है, हमें दोनों जगह वैल्यू ऑफ a सेम बनाना है क्योंकि a की वेरिएबल की a की कोफिशिएंट की दो वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर इसको इस प्रकार से मैनेज करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा कि यहाँ पर जो a 4 था अपना वो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4 और इक्वेशन क्या हो जाएगी बैलेंस, क्योंकि 4/4 का डिवाइड मल्टीप्लाई करने पर वापस से वही बचेगा जो अपने क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हो जाएगा -4/4। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि अपना c बाय ए जो है हमें यह पता चल गया है -4/4 है और जो -b/a है अपना वो यहाँ पर क्या है 1/4। सो ये जो c होगा अपना यहाँ से c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू आ जाएगा -4, a इज इक्वल टू आ जाएगा 4 एंड b इज इक्वल टू, देखिए -b इक्वल टू 1 है तो b इज इक्वल टू कितना होगा
मीन्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ वन। तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना है, हमें इस ए बी सी की वैल्यू को पुट करना है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के अंदर। देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, ए अपना कितना है फोर, तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर। बी कितना है माइनस वन, तो प्लस बी, एक्स के माइनस वन रखना है तो बी इंटू माइनस वन, प्लस सी कितना है अपना माइनस फोर, तो माइनस ऑफ फोर मैंने पुट कर दिया। आप देखिए इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो जो पी एक्स अपना इस प्रकार से बनेगा, फोर एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर मेरे को बी जो पुट करना है माइनस वन इंटू एक्स, तो हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स और माइनस ऑफ फोर, दैट इज द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जिससे हमने फाइंड आउट किया है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए इसमें बेस्ट अपन एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको अच्छे से फंडा क्लियर हो जाए कि हाउ टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स व्हेन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको समझ में आ गया, नोट डाउन कर लिया आपने? अब एक और क्वेश्चन दिया आपको, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर ऑफ अ पॉलीनोमियल आर, आपको दिया हुआ है सम इज अंडर रूट टू एंड प्रोडक्ट इज वन बाय थ्री, एंड आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो सबसे पहले आपको पता होता है हमें क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू आपको गिवन है कितना अंडर रूट टू, और सम ऑफ द जीरोज मींस आपको बताया क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपको गिवन है अंडर रूट ऑफ टू, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है कितना वन बाय थ्री। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अपना अल्फा इंटू बीटा जो कि आपको गिवन है वन बाय थ्री, बट वी नो दैट सम ऑफ द जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू आपको गिवन है अंडर रूट टू, और अपॉन में अपन वन लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई इफेक्ट नहीं होगा इसके ऊपर। एंड अल्फा इंटू बीटा होता है अपना सी बाय ए इज इक्वल टू वन बाय थ्री। सो आप देखिए फिर से अगर अपन कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू यहाँ पर वन है, ए का वैल्यू यहाँ पर थ्री है, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि ए की दो वैल्यू एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकती। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ऐसा कुछ करना है कि यहाँ पर ये इक्वेशन बैलेंस भी रहे और ए की वैल्यू भी सेम हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थ्री का मल्टीप्लाई और थ्री का डिवाइड, यानी जब कैंसिल करो वापस थ्री से थ्री कैंसिल होने के बाद सेम चीज बनी अपने पास। तो अपने पास ये क्या बच जाएगा, माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू थ्री अंडर रूट टू अपॉन थ्री, एंड सी बाय ए कितना बन गया वन बाय थ्री। अब हम कंपेयर करेंगे तो अपना ए आएगा थ्री एंड सी आएगा वन, एंड बी इज इक्वल आप लोगों को पता है माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू अपने पास कितना है थ्री अंडर रूट टू, सो बी इज इक्वल टू कितना होगा माइनस थ्री अंडर रूट टू। ओके ये अपना एबीसी आ गया। अब हमें क्या करना है, इस एबीसी की वैल्यू को पुट करना है जनरल पॉलीनोमियल इक्वेशन क्वाड्रेटिक में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में। तो देखिए आप यहाँ पर वैल्यू पुट करने वाले हैं अपन, ए का वैल्यू कितना है थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना माइनस थ्री अंडर रूट टू, और सी का वैल्यू कितना है वन, दैट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पूछा जाता है, आपको समझ में आ चुका होगा, तो प्लीज वॉच माई वीडियोस एंड शेयर ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और उनके लिए भी ये फायदेमंद साबित हो इस लॉकडाउन के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इसमें आपको दिया रहेगा सम ऑफ द जीरोस 1 by 4 and product of 0 is minus 1 by 4। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन फिर भी हम करते हैं एक बार। देखिए हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में sum of the zeros is equal to 1 by 4
एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज इक्वल टू माइनस वन बाय फोर. हम जानते हैं सम ऑफ द जीरो होता है माइनस ऑफ बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी बाय ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन बाय फोर. क्लियर. अब हमें कंपेयर करना चाहिए, यहाँ पर भी फोर है, यहाँ पर भी फोर है, मतलब ए की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं ए इज इक्वल टू फोर. अब बी की वैल्यू है माइनस बी इज इक्वल टू वन है, सो इम्प्लाइज बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन एंड सी इज इक्वल टू ऑलरेडी माइनस वन दिया हुआ है, सो हमारे पास एबीसी की वैल्यू आ गई. और हमें पुट करना है अपने जनरल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में. सो हम क्या करेंगे यहाँ पर एबीसी की वैल्यू पुट करने वाले हैं. सो देखिए क्या हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, दैट इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. फ्रेंड्स आप इसे अच्छे से देखें और प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.